दोस्तों, आपने बाहुबली फेम भल्लाल देओ यानी राणा दुग्मती की अपकमिंग मूवी हाथी मेरे साथी का ट्रेलर देख ही लिया होगा। इस मूवी में जंगल को काटकर शहर बसाने आए लोगों और एक साधारण सा आदमी जो जंगलों और जंगली जानवरों से प्यार करता है के बीच संघर्ष की कहानी दिखाई जाएगी। भल्लाल देओ हाथियों के मदद से जंगल को काटकर शहर बसाने वाले लोगों को भगाते नजर आएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि हाथी मेरे साथी मूवी के एक्टर राणा दुग्मती का किरदार एक रियल लाइफ आदमी से इंस्पायर्ड है? वो आदमी जो खुद अकेले 40 सालों से मेहनत करके एक बंजर जमीन को हरे भरे जंगलों में बदल दिया। वैसा बंजर जहां एक घास का तिनका तक नहीं उगता था। और आज के दिनों में 1360 एकड़ में फैले उस मैन मेड जंगल में बहुत सारे विलुप्त प्राय पक्षी, जीव जंतु और जंगली जानवर जैसे हीरे, गैंडे, बाघ और सैकड़ों हाथी रहते हैं। उस आदमी को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और इस जंगल का नाम भी उसी आदमी के नाम पर है। लेकिन फॉरेस्ट मैन में ऐसा करने की प्रेरणा कहां से मिली और पेड़ लगाने के दौरान उनकी लाइफ में क्या क्या परेशानी आई, जानेंगे हम इसी आज के वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए ऐसा ही कई नई पुरानी रोचक जानकारियां लाते रहता है। दोस्तों, उस फॉरेस्ट मैन का असली नाम जादव मोलाई पायेंग है। जादव असम के मिसिंग जनजाति से ताल्लुक रखते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच माजुली नाम का एक द्वीप है। ये द्वीप इसलिए है क्योंकि इस द्वीप के चारों ओर ब्रह्मपुत्र नदी है। बात सन 1979 की है, जब उनकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। इस वक्त उनके गांव में भयानक बाढ़ आई, जिसके कारण आसपास के इलाकों में रहने वाले बहुत सारे सांप मारे गए। जादव को इस बात से बहुत आघात पहुंचा। तब उन्होंने ठान लिया कि कुछ ऐसे पौधे बोएंगे जो आगे चलकर एक अच्छे जंगल में परिवर्तित हो और साथ ही साथ वन जीवों का संरक्षण भी हो सके। जादव ने वहां जंगल बनाने की इच्छा को गांव के लोगों के साथ शेयर किया, लेकिन गांव वाले इस बात को लेकर तैयार नहीं हुए, क्योंकि बिना किसी सरकारी मदद के यह काम असंभव सा लगने वाला था। लेकिन हार न मानने वाले जादव ने इसके बाद वन विभाग से संपर्क किया, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई सरकारी मदद नहीं मिली। इतना कुछ होने के बावजूद भी जादव ने हार नहीं मानी और अकेले ही अपने इस असंभव से दिख रहे काम को संभव बनाने में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने 20 बांस के पेड़ लगाकर इसकी शुरुआत की, जिसके बाद वो लगातार और पेड़ पौधे लगाते गए। लगातार 35 सालों तक कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ किए गए परिश्रम का नतीजा यह हुआ कि वहाँ 1360 एकड़ में एक घना जंगल तैयार हो गया। और आज के दिनों में 1360 एकड़ में फैले उस मैन मेड जंगल में बहुत सारे पक्षी, जीव जंतु, जंगली जानवर, हीरे, गैंडे, बाघ, शेर और सैकड़ों हाथियार रहते हैं। उनके प्रकृति के साथ प्रेम और पर्यावरण के बचाव में योगदान देने के लिए उन्हें देश के प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी JNU ने सम्मान देते हुए फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से नवाजा। जादव को भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। क्या आपको पता है कि लोग हर साल करीब 150 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काट देते हैं? मानव सभ्यता के शुरुआत होने से अभी तक पृथ्वी पर करीब 50% से अधिक पेड़ खत्म हो गए हैं, जिसके कारण पिछले 100 सालों में 0.7 डिग्री सेल्सियस की औसत तापमान में वृद्धि हुई है। और अभी इससे भी तेज गति से 21वीं सदी में औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। इस साल ही पूरे भारत में तापमान एवरेज टेम्परेचर से 0.71 डिग्री ज़्यादा जाने वाला है। और इस क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण भारी मात्रा में पेड़ों की कटाई और ज़रूरत से ज़्यादा कार्बन इमिशन है। अगर कम कार्बन इमिशन करके पेड़ों को लगाया जाए और साथ ही लोगों को क्लाइमेट चेंज के बारे में जागरूक किया जाए, तो इस समस्या से हम निकल सकते हैं। बाकी जो है सो है। बी सेफ एंड स्टे क्यूरियस।